तो हे व्हाट इज अप गाइस, इट्स मी हंस एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस आज इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स GT 10 Pro। अब ये जो डिवाइस है देखो बहुत ज्यादा अच्छा डिवाइस है एंड मैं लिटरली कह रहा हूँ बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस और स्मार्टफोन बहुत अच्छे ऑल ओवर स्पेक्स के साथ आता है। बट इसके अंदर भी ऐसे कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो आपको लग सकते हैं एंड मेरे हिसाब से इनको कंसिडर करके आप लोग इस फोन को डेफिनेटली स्किप करने वाले हो। तो ये दो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। करते हैं यहाँ पे जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहला हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। आपको पता है आपको इन्फिनिक्स का ये फोन काफी अच्छे परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है, इसका डिजाइन काफी अच्छा है, लुक एंड फीचर काफी ज्यादा अच्छे हैं। बट इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा बड़ी मिल जाती है जो कि है XOS। अब मैं ये चीज बता दूं, ये चीज मुझे पर्सनली लगता है एंड आपको भी लग सकता है, जितना हमारे वन प्लस के, ओप्पो के और रियलमी रेडमी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके रियलमी UI, ऑक्सीजन OS और इन सब के मामले में जो XOS है इन्फिनिक्स का ये उतना ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज नहीं है। ये चीज मैं और आप लोग खुद अच्छे से जानते हो एंड आप लोगों को बहुत सारे इन्फिनिक्स के ऐसे फोन मिलते हैं जिनके अंदर ब्लोटवेयर एड्स मिलते हैं। लाइक इसके अंदर ब्लोटवेयर तो भर के मिलेंगे, वो चीज आप भी पता है आपको। और ये चीज ना आपको मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि इसके अंदर भी UI के बीच में एड्स आने वाले हैं। तो ये चीज़ अगर आपको मिलती है तो भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है ना, क्योंकि एक इतना महंगा आप लोग 20-22 हज़ार का फ़ोन लो और उसके अंदर आपको अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम ना मिले तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है जिसको कंसिडर करके बहुत लोग इस फ़ोन को स्किप करने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है इस ही फ़ोन की ब्रांड। आपको पता है इन्फिनिक्स ब्रांड है। अब इन्फिनिक्स का मैट पास्ट में बहुत सारे अच्छे फ़ोन आए एंड अभी भी ये फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट इसके अंदर जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत कम मिलने वाली है आपको। आफ्टर सेल प्राइस भी इसका बहुत कम मिलने वाला है। अगर आप लोग कोई इन्फिनिक्स का फोन यूज करके 1 से 1.5 साल उसको फ्यूचर में सेल आउट करते हो तो आपको सबसे बड़ी बात तो उसका ब्रांड वैल्यू के हिसाब से आपको प्राइस मिलता है, आपको जो उसका आफ्टर सेल प्राइस है वो अच्छा नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ साथ आपको पता है इन्फिनिक्स के जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है ना। इनकी कोई इन्फिनिक्स की ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसके थ्रू आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। आपको जो इसका सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस है वो भी इतना सही मुझको नहीं लगता है, क्योंकि मेरे पास इनका एक फोन था और उसको मैंने जब यूज करा था तब उसके साथ मुझको प्रॉब्लम आई थी। तो ये चीजें आपको भी रह सकती हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके आप लोग अपना डिसाइड करो कि क्या आपको इन फोन्स को परचेस करना है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा फोन है, स्पेसिफिकेशंस बहुत ज्यादा अच्छी हैं, डिस्प्ले एंड आपकी परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच है, प्राइसिंग टॉप नॉच है। बट ये कुछ दो पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करके बहुत सारे लोग इसको स्किप कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इसको परचेस कर लो। बाय द वे कुछ जो 2-3% लोग होते हैं जिनकी ये प्रायोरिटीज रहती हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब आप लोग बताओ आपको कैसा लगा, क्या फीचर्स हैं, आपको कैसा ये फोन लगा नीचे कमेंट करके बताना। इंडिया से टाइप की और वीडियोस देखने के लिए यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू ट्रिकियंस।